भारत और चीन के बीच जिस तरह से डोकलाम को लेकर पिछले तकरीबन एक महीने से विवाद चल रहा है, उसके बाद दोनों ही देशों के बीच तलक बयानबाजी का दौर जारी है। लेकिन इस बीच चीनी विशेषज्ञों ने इस बात की आशंका जाहिर की है कि भारतीय सेना को डोकलाम में पीछे करने के लिए चीन की सेना से सैन्य कार्रवाई कर सकती है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो चीन किसी भी हाल में डोकलाम में भारतीय सेना की तैनाती को बर्दाश्त नहीं करेगा और आगे 2 हफ्तों के भीतर चीन एक सेना सैन्य कार्रवाई की शुरुआत कर सकता है। चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ संघाई अकेडमी ऑफ सोशल साइंस के रिसर्च फेलो हुंग जियोंग का दावा है कि चीन के डोकलाम विवाद को लेकर लगातार हलचल बढ़ी है और इसे देखते हुए चीन के 6 मंत्रालय ने इस बाबत उच्च स्तरीय बैठक की है। चीन लगातार भारत से डोकलाम में सेना को हटाने की मांग कर रहा है, लेकिन जिस तरह से भारत ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि वह भूटान की सीमा की सुरक्षा करेगा, लेकिन भारत के इस दावे पर चीन ने पलटवार करते हुए कहा है कि भारत भूटान के बहाने चीन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल जिस तरह से चीनी विशेषज्ञों ने चीन की ओर से सैन्य कार्रवाई की आशंका जाहिर की है, उसके बाद बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर भारत चीन के बीच युद्ध होता है तो क्या अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। भारतीय विशेषज्ञ का मानना है कि चीन भारत के बीच यह विवाद दक्षिण चीन सागर को लेकर है। रक्षा विशेषज्ञ का मानना है कि अगर युद्ध होता है तो अमेरिका भारत के साथ होगा, जबकि दूसरी तरफ चीन होगा। उनका कहना है कि यह विवाद महज जमीन के विवाद से नहीं जुड़ा बल्कि दक्षिण चीन सागर के अपने सर्वोच्च को लेकर है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो कोई इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता कि डोकलाम विवाद इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत और चीन के बीच अगले 1 महीने के भीतर युद्ध हो सकता है। यह युद्ध अचानक से हो सकता है और इस पर नियंत्रण करना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में युद्ध के समय भारत का तमाम देशों के साथ संबंध काम आएगा। रक्षा विशेषज्ञ मेघनाथ देसाई का मानना है कि यह युद्ध सिर्फ डोकलाम विवाद पर आधारित नहीं होगा बल्कि यह कई मोर्चों पर लड़ा जाएगा। इस युद्ध के जरिए चीन उत्तरी हिमालय के कई इलाकों में भी युद्ध लड़ेगा। मेघनाथ का इस बात का भरोसा है कि अगर युद्ध हुआ तो निश्चित तौर पर अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। उनका मानना है कि बिना अमेरिका की सहायता के भारत चीन के सामने खड़ा नहीं हो सकता और बिना भारत की मदद से अमेरिका चीन के सामने खड़ा नहीं हो सकता, लिहाजा दोनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत है। युद्ध होने की स्थिति में मेघनाथ ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो यह काफ़ी लंबा चलेगा। हमें चीन की सेना की तुलना भारत से नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना हमारी भूल होगी। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भारत की सेना दुनिया में सबसे ताकतवर सेना के सामने होगी, लिहाजा हमें अपनी तैयारियों का भी जायजा लेना चाहिए। इस बात के भी सवाल उठाए जाते हैं कि क्या चीन की सेना पर्वतीय इलाकों में युद्ध करने में बेहतर है। तो मेघनाद का कहना है कि निसंदेह मुझे लगता है कि चीन की सेना को पर्वतीय इलाकों में युद्ध करने की ट्रेनिंग दी गई होगी। देश दुनिया की और भी बड़ी खबर जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।